नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स। हम लेकर हाजिर हैं सोशल साइंस का क्लास 9th का लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पार्ट 2, यानी कि इसका पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। शुरू करने से पहले एक यहाँ पर आवश्यक सूचना है मेरे पास, एक अनाउंसमेंट है जो मैं आपके लिए साझा कर देता हूँ, क्योंकि परीक्षा का चूँकि समय आ गया है तो आप सब इशारा समझ गए होंगे मेरा। मैं परीक्षा पे चर्चा 2023 की बात करने वाला हूँ। इस बार परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ अपने मन की बात करेंगे, सीधा संवाद करेंगे उनसे। आइए प्रधानमंत्री जी के जीवन के अनुभव सुने और जाने कि तनाव रहित रहकर परीक्षा को उत्सव कैसे बनाया जाता है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के अलावा अन्य चैनलों पर होगा और ऑल इंडिया रेडियो पर सीधा प्रसारण होगा। और आपको मैं बता दूं कि देखना ना भूलें आप, और तारीख जरूर याद रखें, 27 जनवरी 2023 को होगी परीक्षा पे चर्चा। तो इस आवश्यक सूचना के साथ हम अपना सोशल साइंस का ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। श्री सुशील कुमार जी, आप PGT हिस्ट्री हैं, केंद्रीय विद्यालय आसनसोल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुशील जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर नमस्कार, और PME विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है PME विद्या चैनल के आज के सेशन। बहुत धन्यवाद। तो आज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में क्या पढ़ने वाले हैं और पहले में हमने क्या पढ़ा था, शुरू करें? जी बिल्कुल जी। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले राहुल जी, एनसीईआरटी की पूरी टीम को और सभी बच्चों को नव वर्ष का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। बच्चों, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पहला सेशन 2 वीक पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और उस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार पहले केवल इसकी समरी ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आगे हम कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे। पार्ट वन में हमने सबसे पहले जाना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कितने तरह की होती हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे कंस्टिट्यूट किया जाता है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, किसी भी देश में पॉलिसी या डिसीजन कैसे बनाई जाती है, कैसे उसे अमली जामा पहनाया जाता है, इस पे भी हमने डिस्कशन किया था, और स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पे हम चर्चा कर रहे थे। कुछ पॉइंट्स इस पे हो गया था और कुछ पॉइंट्स हम आज करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि आज के सेशन में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करें। जैसा कि बताया था, कुछ पॉइंट्स हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में बाकी रह गया था, जिसमें है कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है और उनके पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, एंड प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में कौन होते हैं, उनकी पावर्स क्या है, और उनकी कैबिनेट के बारे में भी हम आज के सेशन में जानकारी हासिल करेंगे। तो देन राहुल जी, शुड बी कंटिन्यू? यस सर प्लीज। नाउ बच्चों, जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन में देखा था, हर एक देश का एक लेजिस्लेचर होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का, और भारत का लेजिस्लेचर भारत का पार्लियामेंट है, और भारत का पार्लियामेंट 3 मेजर ऑर्गन से बना है, द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड मेजर फीचर्स ऑफ फर्स्ट टू ऑर्गन्स ऑफ बोथ टू हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, और आज हम इसी से आगे बढ़ेंगे। हम लोकसभा और राज्यसभा के फीचर्स पे हमने चर्चा कर ली थी, आज हम उसके कंपेरिजन से शुरुआत करेंगे, देन थर्ड ऑर्गन्स जो प्रेसिडेंट है, उन प्रेसिडेंट के बारे में हम जानेंगे, उनके इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, उनके पावर्स और उनके लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे, उसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। सो कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। बच्चों, जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने एक बात
ये देखा होगा कि लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस व्हाइल राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस, बट इवन आफ्टर नॉमिनेशन एज लोअर हाउस लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. हाउ इज इट पॉसिबल? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, लेकिन ये राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है. आइए हम आज देखते हैं कि किन कारणों से लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है. द फर्स्ट पॉइंट इज द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा. कैबिनेट दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसके ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और लोकसभा चुने गए प्रतिनिधियों का मंडल होता है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो डायरेक्टली पब्लिक से इलेक्ट होते हैं उनका हाउस होता है. यही कारण है कि कैबिनेट जो है लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है. सेकेंड पॉइंट, लोकसभा हैज मोर पावर इन मनी रिलेटेड बिल्स. अब इसका क्या मतलब है? लोकसभा मनी रिलेटेड बिल्स में ज्यादा पावर रखती है अपने पास. इसका यह मतलब है कि राज्यसभा मनी बिल्स पे उसके पास ना तो उसे रिजेक्ट करने का और ना तो अमेंड करने का अधिकार है. यस, द मनी बिल्स मे बी सेंड टू राज्यसभा, दे मे गिव द सजेशन ऑन द मनी बिल, बट इट डिपेंड अपॉन द विश ऑफ लोकसभा, दे विल एक्सेप्ट द सजेशंस और नॉट. And next point, and very important point, all we know, any ordinary bill must be passed from both two houses. देखिए, साधारण शब्दों में भी कहें कि अगर जो अगर साधारण विधेयक भी होता है, ordinary bills भी होते हैं, उनको दोनों houses से पास होना होता है. But even here, if there is any differences in opinions, अगर यहाँ लोकसभा राज्यसभा के opinions में कोई difference होता है, then this bill go to the joint session of the parliament, and if it will go to the joint session of the parliament, then definitely due to the more number of members in Lok Sabha, the decision of Lok Sabha prevails. That's why we can say Lok Sabha is more powerful than the Raj Sabha. Now, अब functions of parliament की बात करते हैं. आखिर हमें parliament की आवश्यकता क्यों? जी बच्चों, already हम discuss कर चुके हैं, भारत में जो लेजिस्लेचर है वो भारत की पार्लियामेंट है. दैट्स व्हाई द पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू मेक लॉ इन आवर कंट्री. ये ना केवल कानून बनाती है, उसे चेंज करने का, अमेंड करने का या अबॉलिश करने का अधिकार भी भारत के पार्लियामेंट को ही है. इसके अलावा गवर्नमेंट के काम को सुपरवाइज करना या सरकार के नियंत्रण रखने का काम भी पार्लियामेंट. No decision can be taken without the support of Indian Parliament. Indian Parliament के बिना, उनके सहयोग के बिना कोई भी decision नहीं लिया जा सकता. और already हम discuss कर चुके हैं, money related bills are also controlled by the Parliament. Although only Lok Sabha has the power on the money bills. That's why the Parliament is very important in a democracy. Now, in this topic, we will discuss about the third organ of the parliament. हमने पढ़ा था कि parliament के तीन major components होते हैं, the Lok Sabha, the Raj Sabha, and the President. So, we will start with the third organ of the parliament, that is the President of India. The President of India is the first citizen of India and also the nominal head of the executive. भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक के रूप में देखे जाते हैं, साथ ही साथ वो एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड हैं. हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स इलेक्ट हिम और हर. द कैंडिडेट गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड एज यूजुअल जो कैंडिडेट मेजोरिटी वोट प्राप्त करता है वही प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होता है. अभी कुछ महीने पहले भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति बनी. एक अंतर है, दूसरे जो प्रतिनिधि हैं उनके चुनने की प्रक्रिया में
और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी फर्क है। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज नोन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में हम कभी नेक्स्ट टाइम चर्चा करें। नाउ कम टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द क्वीन ऑफ इंडिया। देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं एक्सेप्ट, और उनका कार्य करने का प्रणाली उनका वर्किंग सिस्टम ऑलमोस्ट ब्रिटेन की महारानी के जैसा होता है। भारत में काम करने वाले भारत में एग्जिस्टेंस जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके काम करने के तरीकों को उनके फंक्शंस को सुपरवाइज करने का काम भारत के राष्ट्रपति का। भारत में जितनी भी गतिविधियां होती है गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है वो महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे होता है। यही नहीं जितने भी लॉज बनते हैं फाइनली जब हमारे राष्ट्रपति उन्हें इशू करते हैं उनके नाम से जब इशू होता है तभी वो डिसीजन इंप्लीमेंटेशन में आता है। इसके अलावा भारत के संवैधानिक संस्थाओं में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं उनके हेड का अपॉइंटमेंट का काम भी भारत के राष्ट्रपति का होता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। इसके अलावा इवन प्रधानमंत्री का जो है सिलेक्शन हो या जितने भी जो स्वायत्त संस्था जितने भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं सीएजी हो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है सभी को अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के नाम। यही नहीं भारत की मिलिट्री फोर्सेस के भी हेड हमारे राष्ट्रपति। बच्चों ये देख के हमें लगता होगा भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च शक्तियां हैं, लेकिन यहां मैं आपका ये संदेह थोड़ा दूर करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की इन शक्तियों में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एज ही इज ओनली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ही इज द ओनली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, तो जितने भी डिसीजंस राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं वो कैबिनेट की सलाह पे लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो सजेशन है अगर उन सजेशन जो सजेशन प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं प्रेसिडेंट उनको रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर वो एडवाइस रिपीट किया जाता है तो सी इज बाउंड टू डू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अगर वो सजेशन दोबारा रिपीट होता है तो प्रेसिडेंट को उस पे सिग्नेचर करना होगा। लेकिन तो इसका क्या मतलब है देन प्रेसिडेंट हैज नो पावर। बच्चों प्रेसिडेंट के पास इसके बावजूद दो तरह के पावर होते हैं, एक मोरल पावर वेस्टेड होता है एंड सेकेंड एक डिस्क्रिशनरी पावर है। वो कई बार हमारे देश में राष्ट्रपति ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया है, वो कब होता है व्हेन नो पार्टी और कोलिजन गेट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन पावर एंड कैन अपॉइंट ए लीडर ऑफ हर और हिज ओन ओपिनियन हु कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। जब किसी राजनीतिक दल को या किसी गठबंधन की सरकार को क्लियर बहुमत नहीं मिल पाता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी पसंद के ऐसे किसी भी लीडर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जिन पर उन्हें भरोसा है कि वो लोकसभा में मेजोरिटी हासिल कर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थर्ड ऑर्गन दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ In the next slide, we will discuss about the executive and its various types. Starting with the definition of executive, बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा, junior classes में भी पढ़ा होगा, हम फिर दोबारा चर्चा करते हैं इस पे। An organ of the democratic government which implements the decision taken by the legislature. हमने देखा, legislature का काम है कानून बनाना, लेकिन उस कानून को आम लोगों तक पहुंचाना देश के सभी भागों तक पहुंचाने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का। द प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट एंड ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी जो एग्जीक्यूटिव जो बनता है फॉर्म होता है उसमें उसका हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है वो एग्जीक्यूटिव के प्रमुख पार्ट होते हैं। इसके अलावा
जो ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उन तीनों को मिला के ही एग्जीक्यूटिव फॉर्म किया जाता है। और इस आधार पे भारत में दो तरह के एग्जीक्यूटिव हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। मेंबर इलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? वो मेंबर जिन जो इलेक्टेड होते हैं, जो चुने जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। हम आगे इस पे चर्चा और करेंगे डिटेल से। द गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और अभी हमने बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, जो लंबे समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है थ्रू एग्जाम, ऐसे लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जैसे कि बताया गया, दे आर द इलेक्टेड लीडर्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक खास समय के लिए उनको चुना जाता है। उस खास समय के बाद, जैसे भारत में जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनका 5 years का पीरियड है। अब क्या है, हालांकि 5 साल के बाद वो दोबारा चुने जा सकते हैं और दोबारा वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट, लेकिन उनको दोबारा चुनना पड़ता है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज कैबिनेट, दे आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दे आर आंसरेबल टू द पीपल, वो लोगों के लिए जवाबदेह होते हैं, उनको जवाब देना होता है जो भी डिसीजंस वो लेते हैं, जो भी वो काम करते हैं। और वो अपने ऑफिस में तभी तक रह सकते हैं जब तक उनका टेन्योर पूरा नहीं होता, और या जब तक उनको या उनकी सरकार को मेजोरिटी हासिल रहती है तभी तक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूटेड रहता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दे आर द सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड फॉर ए लॉन्गर टर्म। सिविल सर्वेंट जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो एक एग्जाम के द्वारा पास होते हैं और जिनका अपॉइंटमेंट लंबे समय के लिए होता है, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, या उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, ये सभी जो हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ये डिसॉल्व नहीं होती, भले ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स का टेन्योर पूरा हो जाता है, जब तक उनका अपॉइंटमेंट, जब तक वो रिटायरमेंट रहता है तब तक वो रह सकते हैं, लेकिन उनके डिपार्टमेंट्स कभी डिसॉल्व नहीं होती। इवन सरकार बदलने के बाद भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू चलता रहता है। दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, और उनकी जवाबदेही जनता के प्रति डायरेक्ट नहीं होती। नाउ अब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। हमने देखा एग्जीक्यूटिव के जो हेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी जैसे कि राहुल जी ने भी बताया कि टाइम टू टाइम माननीय प्रधानमंत्री भारत के लोगों से मुखातिब होते हैं, आमने सामने आते हैं, लोगों को इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। और अभी जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है, प्रधानमंत्री जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा लेके बच्चों को भी हौसला अफजाई करने का काम करेंगे, जैसा कि राहुल जी ने बताया था। सो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, वो ऑफिशियल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव। उनका जो इलेक्शन होता है 5 सालों के लिए होता है, या तब तक रहते हैं वो अपने पद पे जब तक उनकी सरकार को मेजोरिटी हासिल रहती है। वो कैबिनेट मीटिंग्स को हेड करते हैं, चेयर करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री में होते हैं सभी मिनिस्ट्री के कामों को कोऑर्डिनेट करने का काम भारत के माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी ऑफिसर्स के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। इसके अलावा मंत्रियों का सिलेक्शन या उनके बीच में कामों का वितरण हो या उनके कामों का सुपरवाइज करने की बात हो, ये सभी काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन आवर कंट्री, इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री। ओके, आज के लिए, आज के सेशन के लिए जो लास्ट टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज द कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है,
और जब हम बात करें भारत के कैबिनेट की या भारत के फंक्शनल मिनिस्टर की, भारत में तीन तरह के मिनिस्टर्स पाए जाते हैं या तीन तरह के मिनिस्टर्स अपॉइंटेड होते हैं। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड थर्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एक बात ध्यान रखना है बच्चों आपको यहाँ पे जी, हम आगे के सेशन में और भी चर्चा करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्या काम है, कैसे उनका क्या प्रोसेस होता है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, इन सभी मुद्दों पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज एक जरूरी बात आज के सेशन में है, ये ध्यान रखना है आपको कि भारत में मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या से 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यही कारण है कि आप गौर करेंगे कि भारत में मोटे तौर पे 60-70 ऑलमोस्ट 60-80 आप कह सकते हैं भारत में मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या होती है, उससे ज्यादा 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो राहुल जी आज के सेशन के लिए इतना ही है और बच्चों को कई सारे टॉपिक्स अभी और बचे हैं जो निश्चित रूप से हम नेक्स्ट सेशन पे और चर्चा करेंगे। इस सेशन में हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा किया है जी, जो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के लिए काफी फायदेमंद। बिल्कुल, आपने जैसे प्रधानमंत्री के पद की चर्चा की, राष्ट्रपति के पद की चर्चा की, और ये वो संवैधानिक पद हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो जो शक्तियां उनमें निहित हैं उन पदों में, उनके बारे में बच्चों को पता होना ज़्यादा आवश्यक है, जैसे आपने आज सरल तरीके से बताया। सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने एक चीज राहुल जी और बताना चाहता हूँ, मैं मुझे लग रहा है कि रिमाइंड कर देना जरूरी है जी, कि बच्चों को प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है जो महान फिलोसफर कह सकते हैं मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने सबसे पहली बार इसकी आधारशिला रखी थी। उनका ये मानना था, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो उन्होंने बुक लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि एक देश तभी सक्सेसफुली आगे बढ़ सकता है, उसका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तभी अच्छे से काम कर सकता है जब शक्तियों का क्लियर कट डिविजन होता है उस देश में जी, और जी। उसी के तहत उन्होंने लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात की नींव की बात रखी थी। और इस क्रम में हमने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में दो सेशन में इन मुद्दों पर चर्चा की है। पहले सेशन में हमने लेजिस्लेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट पे चर्चा की थी, आज हम एग्जीक्यूटिव के डिफरेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत एग्जीक्यूटिव के पॉइंट्स अभी और बचे हैं, साथ ही साथ जुडिशियरी के डिफरेंट एस्पेक्ट जो है बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका कि आपने इन सभी शक्तियों के बारे में बताया जो इन पदों में निहित होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आज पाठ पढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा ये सोशल साइंस का सेशन हम यहीं समाप्त करें। श्री नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। आइए प्रधानमंत्री जी के जीवन के अनुभव सुने और जाने की तनाव रहित रहकर परीक्षा को उत्सव कैसे बनाया जाए, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के साथ साथ अन्य चैनलों और ऑल इंडिया रेडियो पर सीधा प्रसारण होगा, तो आप जरूर देखना ना भूलें और जुड़े हमारे इस कार्यक्रम से। माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को। फिलहाल हमारा ये सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं वेबिनार लेकर जिसमें हम बात करेंगे साइबर जागरूकता दिवस की। देखते रहिए ई विद्या चैनल्स। नमस्कार।